ट्रैवल टुडे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। यूपी सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो हफ्ते भर के भीतर रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन को खाली कर दें। यह नोटिस सपा दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल पर भी चस्पा की गई है। इस नोटिस में कैबिनेट के निर्णय का हवाला देते हुए 7 दिनों के भीतर भवन को खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली ने ग्लोबल टुडे से बात की। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संबंध में जो और शासन से जो आदेश आया है, शासन के अनुरूप उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो है वो हस्तांतरण के लिए कहा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो कमेटी आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई है, उसी के तहत उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस वही 1 सप्ताह के समय दिया गया है कि वो जो है उसको हस्तांतरित करें 1 सप्ताह के अंदर। इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई 41,000 वर्ग फुट से अधिक की ज़मीन का स्वामित्व वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसे राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। ग्लोबल टुडे ब्यूरो रामपुर। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।